हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र मौर्य। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल डॉक्टर पेट्स। आज के वीडियो में आपको ट्रांसमिसिबल वेंड्रल ट्यूमर के बारे में बताने वाला हूं, जिसे शॉर्ट में TVT भी बोलते हैं। फ्रेंड, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा, ट्रांसमिसिबल मतलब ये जो है एक इन्फेक्टेड डॉग से किसी हेल्दी डॉग में भी ये फैल सकता है। मतलब एक प्रकार का एक ट्यूमर ही होता है जो इन्फेक्टेड डॉग से हेल्दी डॉग में फैल सकता है। फ्रेंड, इसको अदर नाम से भी जाना जाता है, जैसे उसको इन्फेक्शियस सार्कोमा बोल सकते हैं, उसको वेंड्रल ग्रैनुलोमा जिसे शॉर्ट में VG इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो है ट्रांसमिसिबल लिम्फोसार्कोमा इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे स्टिकर ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है मेनली क्वाइटस के दौरान, मतलब जब जो है फीमेल डॉग मेटिंग करती है मेल डॉग से, उस समय इसका ट्रांसमिशन अगर उन दोनों में से या तो मेल इन्फेक्टेड हो या फीमेल इन्फेक्टेड हो तो एक दूसरे को यह ट्रांसमिट हो जाता है। इसलिए इसको जो है ट्रांसमिसिबल वेंड्रल ट्यूमर TVT बोलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो ट्रांसमिशन होता है क्वाइटस के दौरान होता है। तो इसका जो मेन लोकलाइज स्थान होता है, मतलब जो ये ट्यूमर का ग्रोथ होता है, वो मेनली जो है जेनाइटल रीजन में होता है। तो अधिकतर ये ग्रोथ जो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में दिखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इंटरनल जेनाइटेलिया रीजन में भी ये दिख सकता है। इसके अलावा अगर कोई हेल्दी डॉग अगर किसी इन्फेक्टेड डॉग के एरिया पे जहाँ पे ये जो है ट्यूमर ग्रोथ हुआ है, अगर उस जगह पे लीक करता है, तो उसकी वजह से उसके जो है ओरल मतलब माउथ के अंदर भी ये ग्रोथ हो सकता है। और इसके अलावा कभी कभी उसके नॉस्ट्रिल में भी ग्रोथ हो सकता है। अब फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि जो TVT होता है इसका ग्रोथ कैसा होता है, मतलब ये देखने में कैसा लगता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड, जैसे ही इसका जो है इन्फेक्शन होता है, तो उसके 2-3 वीक बाद क्या होता है, कुछ उसमें छोटे छोटे जो है माइनूट ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक प्रकार का वो ट्यूमर ही होता है। अब वो ट्यूमर क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो बड़े होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो मल्टीपल ट्यूमर्स होते हैं, छोटे छोटे जो ग्रोथ होते हैं, वो आपस में मिल के एक बड़ा ग्रोथ बना लेते हैं। तो ये एक जो है कॉलीफ्लावर लाइक, जैसे फूल गोभी होता है उस तरह का दिखने लगता है। बता दूँ, जब इनिशियल जब स्टार्ट होता है तो इसकी साइज़ जो है 1 to 2 mm होती है, लेकिन जब ये प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है तो इसकी साइज़ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जब ये ट्यूमर बड़ा हो जाता है तो वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी तो वहाँ पे अल्सर हो जाता है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ इसका क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स क्या है। तो फ्रेंड, इसका जो ग्रोथ स्टार्ट होता है वो होता है वेस्टिबुल, जो वेजाइनल रीजन का जो है सबसे हाइंड पार्ट होता है, वहाँ से इसका ग्रोथ स्टार्ट होता है और ये वल्वा से जो है बाहर निकलता है। इसकी वजह से फीमेल डॉग को यूरिन करने में भी प्रॉब्लम होती है और उसमें से जो है रेगुलर जो है उसमें से ब्लीडिंग होता रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, ओनर जो है गलती से इसको जो है स्ट्रेस यानी हीट मान के जो है उसका जो है मेटिंग करा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो इन्फेक्शन बाहर ही रहता है वो इन्फेक्शन जो है यूटेरस तक फैलने के भी चांसेस रहते हैं। और अगर सपोज करिए अगर ये फीमेल में जो है इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से मेल में भी जो है इन्फेक्शन हो सकता है। अब फ्रेंड, आपके दिमाग में आता होगा कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मतलब कैसे इसका कंफर्म डायग्नोसिस कैसे किया जाए, इसको जो है TVT की ही प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, इसका सबसे बेस्ट वो होता है जो क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स बताया वो, और उसका जो ग्रोथ अपेयरेंस होता है उसके आधार पे भी करते हैं। और सबसे बेस्ट जो होता है वह FNAC, जिसको फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी में कन्फर्म हो जाता है उसको जो है TVT हुआ है। तो फ्रेंड, अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि जो TVT होता है वो किसी भी हो सकता है, मतलब मेल डॉग में भी हो सकता है, फीमेल डॉग में भी हो सकता है। स्पेशली जो मैंने बताया, इसका जो पार्टिकुलर लोकेशन होता है वो होता है जेनाइटल एरिया, मतलब जेनाइटल एरिया में आपको ग्रोथ देखने को मिलता है। फ्रेंड, अब बताते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड, इसका जो है ट्रीटमेंट सर्जरी हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, रेडियोथेरेपी हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी हो सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि इसको जो है नॉर्मली जो है सर्जरी के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सर्जरी होने के बावजूद भी ये रीअकरेंस मतलब फिर से वो ग्रोथ हो जाता है। तो सबसे बेस्ट जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ वो होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, एवरी वीक जो है उसको एंटीवायरल मेडिकेशन किया जाता है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको जो है वीकली वो रिपीट करते हैं। इसके अलावा उसको जो है इम्यून सप्रेशन करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। अगर फ्रेंड कीमोथेरेपी से भी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इसके लिए जो है इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन कर सकते हैं या तो क्रायोकॉटराइजेशन कर सकते हैं, तो इसका रिजल्ट जो है सबसे बेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे से TVT यानी ट्यूमर वेंड्रल ट्यूमर के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। फ्रेंड, चलते चलते आपको एक जानकारी और देता हूँ। जो TVT होता है मोस्टली बिनाइन टाइप का होता है। बिनाइन टाइप का मतलब क्या होता है, जो ये ट्यूमर होता है वो एक ही जगह पर रहता है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस में 5-7% जो है ये फैलता भी है।
फ्रेंड, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।